आओ इनके गुरु कहाँ है? पथरिया के समस्त स्कूलों को जो भी ऑफिस के अंतर्गत आते हैं उनकी लाइट काट दी गई है, क्या समस्या हो रही है आपके स्कूल में? मेरे स्कूल की तो कल से लाइट कटी हुई है और परीक्षा जैसा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है जिससे कंप्यूटर बंद हैं पूरे और फीडिंग वगैरह कुछ होती है, फोटो वोटो का कुछ कहीं कराना पड़ती है तो उसमें समस्या जाती है। बच्चों को तो ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि वो 11-12 जब बज जाती है तो गर्मी ज़्यादा होने लगती है और बच्चे क्योंकि पेपर में डस्ट रहते हैं तो पसीना ही बहुत आता है तो 12-11 के बाद जड़ समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्कूल में पीने का पानी भी नहीं है? हाँ, मोटर बंद है, पीने की समस्या है। चपरासी से बोलते हैं तो नल से तो पवन लाता, बाकी इतना पर्याप्त नहीं होता पानी। क्या कारण है कि लाइट काट दी है? यहाँ पर लगभग 1800 बच्चे दर्ज है हमारे विद्यालय में और ऐसा नहीं होता कि कभी 500 से कम 450 जैसे 410 बच्चों की परीक्षा है, 410 बच्चों को बाहर से पानी लाना भी बड़ी समस्या है। किस कारण से लाइट काटी गई? मैं तो सुना है कि बिल नहीं भरा गया है विद्यालय का, इसलिए लाइट। कौन भरता है बिल आपके? अब बिल का तो हमको इतना आइडिया नहीं है कौन भरता है, विद्यालय प्रशासन ही उसका बिल भरता होगा या पहले कहीं बाहर से भरा जाता होगा। अब उसकी जानकारी तो आपको प्रिंसिपल को लगता है पाएंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। ये समस्त स्कूलों की सर लाइट कट गई है, क्या कारण है सर कि आप लोगों ने बिल नहीं भरे अभी तक? बिल की बात है, बंटन से बिल का भुगतान होता है और हमारे यहाँ से जितने संकुल के स्कूलों के बिल आए थे बिजली बिल उसका सबका हमने कंपाइल करके उसके बिल बीओ कार्यालय में जमा करवा दिए थे। अब वो बीओ कार्यालय से इसका आगे बंटन के लिए भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है वही बता पाएंगे। मुझे भी जानकारी मिल रही है संकुलों की ओर से कि बिल ना भुगतान होने के कारण बिजली लाइन काट दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से बंटन देर से हो गया है कि नहीं हुआ है तो मालूम नहीं है, लेकिन ये माह का आखिरी चल रहा है बंटन देर से होने का, तो मेरी जानकारी में इतनी है कि बिल मैंने यहाँ से संकुलों के कंपाइल करके भेज दिया है।